नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने जीवस ग्रंथि कंप्लीट कर ली। अब अपन आज अगली ग्रंथि स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि या आउटो ग्रंथि। ठीक है, तो भाई ये कहाँ पाई जाती है? ये ग्रीवा क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि श्वसन नाल होगी यहाँ पर ग्रीवा क्षेत्र में, अपने उसके दोनों ओर पार्श्व में मिलती है। तो डायग्राम बनाकर अपन देख लेते हैं एक बार भाई कहाँ पर प्रेजेंट होती है। देखो भाई, ये श्वसन नाल होगी, ये होगी श्वसन नाल, श्वसन नाल। श्वसन नाल के पास में ग्रीवा क्षेत्र के श्वसन नाल के पास में ये विरोधी स्थमस, स्थमस या संयोजन, इसे बोलते हैं पर स्थमस या संयोजन। ये थायराइड ग्रंथि जैसे कि द्विपाल, एक पाल इधर एक पाल इधर, द्विपाल द्विपाल ग्रंथि होगी। वैसी थायराइड ग्रंथि पर पैरा थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, क्या मिलती है भाई थायराइड ग्रंथि पर? एक ग्रंथि क्या होती है? पैरा थायराइड ग्रंथि। तो ये श्वसन नाल, श्वसन नाल होगी उसके पास और प्रेजेंट होगी कहीं ग्रीवा भाग, कहीं गर्दन वाला जो भाग होगा कहीं इस जगह पाई जाएगी, इस जगह प्रेजेंट होगी थायराइड ग्रंथि। तो देखो आप थायराइड ग्रंथि, जब अपन थायराइड ग्रंथि का अनुप्रस्थ काट जाते हैं तो इसमें अपन को निम्न भाग दिखाई देंगे। देखो इसके अंदर जो तरल पदार्थ होगा जो इस थायराइड ग्रंथि में अपन को दिखाई देगा, तरल पदार्थ उसको तो होगा इसको, वो क्या प्रेजेंट होगा भाई इसको, और इसी स्ट्रोमा के बीच पाए जाएंगे टुकड़ा से बोलते पर थायराइड का मतलब है थायराइड कुत्ता है, कुत्ता का दूसरा नाम एसी है, ये बोलते हैं थाय कुत्ता क्या एसी है, इसके अंदर थायराइड वो नो निष्क्रिय होगा, थायराइड क्या हो गए निष्क्रिय। यह आयोडीन से क्रिया करते हैं, क्या बनाएगा आयो थायरोन, आयो थायरोन, आयो थायरोन क्या होता है सक्रिय, आयो थायरोन क्या हो गई सक्रिय होगा। इसके बाद से सी आकृति के, सी आकृति के पुटक मिलेंगे, इन सी आकृति के पुटक को बोलते हैं पेरा पुटक, सी आकृति के पुटक को क्या बोलेंगे अपन पेरा पुटक, यानी आकृति कैसे हुई थी आकृति सी जैसी। इस पैराबुटक के द्वारा थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या होगा भाई स्त्रोम होगा। तो पैराबुटक कौन सा हार्मोन बनाएगा? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन बनाता है। ठीक है, तो इसके अंदर इस स्ट्रोमा के अंदर दो प्रकार के पुटक प्रेजेंट होंगे, एक तो थायराइड पुटक जिसे बोलते हैं एशिया। ठीक है, इसके अंदर
फाइव तक के लिए क्या बना हुआ होगा, थायरोग्लोबुलिन जो निष्क्रिय होगा, निष्क्रिय होगा, और ये आयरन से क्रिया करके क्या बनेगा, आयरोथायरोमिन जो सक्रिय होगा। इसके अलावा अलग ऊतक यानी थायरॉइड ऊतक के अलावा दूसरा ऊतक होगा पैरा ऊतक, इसकी आकृति कैसे होगी, अंग्रेजी के सी अक्षर जैसी। इसके अलावा कौन सा हार्मोन स्त्रावित होगा, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन पैराथार्मोन के या पैराथार्मोन के विपरीत कार्य करता है। पैरा ऊतक से थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, ठीक है। इसके लिए जो तरल पदार्थ भरा हुआ होगा उसे बोलते हैं स्ट्रोमा, जो बाहर की ओर जो आवरण प्रसारित होता है, इस आवरण को बोलते हैं संपुट या कैप्सूल, संपुट या कैप्सूल, ठीक। तो देखते हैं अपन थायरोग्लोबुलिन आयोडीन से क्रिया करके इस प्रकार थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। तो देखो भाई थायरोग्लोबुलिन किससे क्रिया करेगा, आयोडीन से, थायरोग्लोबुलिन बोलो या ग्लोबुलिन बोलो एक ही बात है। तो थायरोग्लोबुलिन क्रिया करेगा आयोडीन से। जब थायरोग्लोबुलिन आयोडीन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, मोनो आयोडो थायरोमिन, मोनो आयोडो थायरोमिन बनेगा, ठीक है। मोनो आयोडो थायरोमिन मतलब एम का मतलब मोनो, एम आई डी क्या बोलेंगे इसको, मोनो आयोडो थायरोमिन को एम आई डी, ठीक है। मोनो आयोडो थायरोमिन, मोनो आयोडो थायरोमिन जब दो मोनो आयोडो थायरोमिन आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, डाई आयोडो थायरोमिन, इसे बोलेंगे डी आई पी, डाई आयोडो थायरोमिन। जब तो जब डाई आयोडो थायरोमिन और मोनो आयोडो थायरोमिन क्रिया करेंगे आपस में तो क्या बनेगा, ट्राई आयोडो आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, टेट्रा टेट्रा आयोडो थायरोमिन, टेट्रा आयोडो थायरोमिन इसे बोलते हैं T4। तो और T4 ही होता है थायरोक्सिन, तो T4 इसे बोलते हैं थायरोक्सिन और टी फोर ही कहलाता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो इस प्रकार थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। तो देखते हैं थायरोग्लोबुलिन के बारे में और डिटेल्स। थायरॉइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ग्रीवा क्षेत्र के, ग्रीवा क्षेत्र के, ग्रीवा क्षेत्र के श्वसन नाल के पार्श्व में प्रेजेंट होती है। थायरॉइड ग्रंथि द्विपालिक ग्रंथि है, द्विपालिक ग्रंथि यानी कि दो पालियों में बटी हुई होती है। इसकी जो लंबाई होगी
पास से मी चौड़ाई, तीन से मी वजन 25 ग्राम, थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्राव ग्रंथि, इसलिए इसे क्या बोलते हैं सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी अंतःस्राव ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्राव ग्रंथि, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में बड़ी होती है, थायराइड ग्रंथि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है। जब थायराइड ग्रंथि का अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो दो प्रकार की संरचना दिखाई देगी, फर्स्ट संरचना कुट्टक या थायराइड कुट्टक, दूसरा हुआ पेरा कुट्टक। थायराइड कुट्टक या कुट्टक के द्वारा थायरोग्लोबिन का स्त्रोत होगा जो निष्क्रिय होगा, जो आयोडीन से क्रिया करके थायरोक्सिन बनेगा। पेरा कुट्टक के द्वारा थायरोकैल्शियम जो हार्मोन का स्त्रोत होगा, जो क्या करता है कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है। अगला पॉइंट देखो आप, द्विपाली ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, दोनों पालियां इसके द्वारा भी होती है बीच में स्टमक या संयोजन, तो दोनों पालियां स्टमक द्वारा जुड़ी होती है, जो दोनों के मध्य कनेक्टिंग लिंक का कार्य करता है, जो डेव आ सकता है दोनों। तो बात करते हैं अपन थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले होम, तो देखो भाई थायराइड ग्रंथि से कौन कौन से होम स्त्रावित होते हैं, थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन, ठीक है। तो फर्स्ट हार्मोन देखेंगे अपन थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। देखो भाई थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन किससे स्त्रावित होगा, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कुट्टक से, पेरा कुट्टक से, पेरा कुट्टक से स्त्रावित होगा। पेरा कुट्टक कौन सा आकृति का होगा, सी आकृति का, उससे स्त्रावित होगा थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम करना, क्या करेगा थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करेगा, यानी कि क्या करेगा कैल्शियम के उत्सर्जन को, कैल्शियम उत्सर्जन को बढ़ाता है, कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है, अर्थात पीटीएच यानी कि पैराथार्मोन, पैराथार्मोन के विपरीत काम करेगा, क्योंकि जो थायरोकैल्सिटोनिन होगा वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, जबकि पीटीएच या पैराथार्मोन इसका होगा पैराथार्मोन पैराथायरॉइड ग्रंथि से, पैराथार्मोन और क्या करता है, ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, थायराइड कैल्सिटोनिन कम करता है, पीटीएच हार्मोन कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, यानी विपरीत काम करता है, अर्थात पीटीएच हार्मोन
पीटीएच या पेराकार उनके विपरीत कार्य करता हूं, के विपरीत कार्य करता हूं। अगला होगा पीट्रिया ट्राई आयोडोफाइल, ट्राई आयोडोफाइल टी थ्री होल टी थायड ग्रंथि के पुट्टक से स्त्रावित होगा। पेरा पुट्टक से तो थायरोकैल्सिटोनिन और पुट्टक से कौन सा हार्मोन ट्राई आयोडोथायरोन और स्त्रावित होगा। कितना स्त्रावित होगा है 10 से 35%। कितना होगा भाई 10 से 35% स्त्रावित होगा पुट्टक से, ठीक है। और टी फोर की अपेक्षा अधिक सक्रिय होगा। टी4 की अपेक्षा क्या होगा भाई ये अधिक सक्रिय होगा। अगला और देखो आप टी फोर या टेट्रा आयोडोथायरोन या इसे बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। तो देखो भाई तो टी4 हार्मोन भी किससे स्त्रावित होगा, पुट्टक से स्त्रावित होगा। किससे स्त्रावित होगा ये पुट्टक से। कितनी मात्रा में स्त्रावित होगा 65 से 90%। कितनी मात्रा में होगा भाई 65 से 90%। टी क्या होगा भाई टी3 की अपेक्षा कम सक्रिय है। टी3 की अपेक्षा क्या होगा टी4 टेट्रा आयोडोथायरोन थायरोक्सिन हार्मोन पुट्टक से स्त्रावित होगा कितना 65 से 90%। टी3 की अपेक्षा कम सक्रिय होगा। अधिक सक्रिय कौन होगा टी3 हार्मोन। इन दोनों को मिलाकर टी3 और टी4 हार्मोन को थायरॉइड कहते हैं। तो सम्मिलित रूप से टी3 हार्मोन और टी4 हार्मोन क्या बोलेंगे अपन थायरॉइड हार्मोन कहते हैं, क्योंकि दोनों ही हार्मोन किससे स्त्रावित होते हैं पुट्टक से एंड थायरॉइड ग्रंथि के पुट्टक से स्त्रावित होते हैं, इसलिए दोनों को बोलते हैं थायरॉइड हार्मोन। तो अपन काम देखते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के क्या काम है क्या कार्य है। तो फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन उपापचय को बढ़ाता है। क्या करता है ये ऑक्सीकरण उपापचय को बढ़ाता है। ऑक्सीकरण उपापचय को बढ़ाता है। जैसे ऑक्सीकरण उपापचय बढ़ेगा तो ऊर्जा उत्पादन क्या होगा ऑक्सीकरण उपापचय को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कैलोरी जेनिक हार्मोन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे ना कैलोरी जेनिक हार्मोन बोलते हैं। और ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा जीवन की रफ्तार बढ़ती है। इसे बोलते हैं टेम्पो ऑफ लाइफ, यानी जीवन की रफ्तार बढ़ती है। दूसरा काम
इसी में समझ करके अपन देखो, जब ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा तो जीवन क्षमता बढ़ेगी, यानी ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा, ऊर्जा उत्पादन यानी कि ऑक्सीकरण उपापचय बढ़ेगा, यानी ऑक्सीजन की खपत क्या करता है, ऑक्सीजन की खपत या ऑक्सीजन खपत व बीएमआर को बढ़ाता, बीएमआर की बेसल मेटाबॉलिक है क्यों बढ़ाता है, देखो भाई बीएमआर जिसका वेट ज्यादा होगा उसका बीएमआर कम होगा, यानी उसकी ऑक्सीजन की खपत कम होगी, जिसका वेट कम होगा यानी उसका बीएमआर अधिक होगा, यानी विक्रमण पर होगा बीएमआर इसके वेट के, यानी वजन की क्या होता है विक्रमानुपाती, यानी वजन ज्यादा तो बीएमआर कम, बीएमआर ज्यादा होगा तो वेट कम होगा, तो ये तो क्या करता है भाई ये ऑक्सीजन की खपत बढ़ाता है और बीएमआर बढ़ाता है। इसके अलावा देखो भाई जब ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा तो भाई ऑक्सीजन उपापचय बढ़ाएगा, यानी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी शरीर में यानी ऊर्जा का निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होगा, क्रेब्स ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस चक्र द्वारा, क्रेब्स चक्र द्वारा ऊर्जा बनेगी, ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र बनेगी, यानी एटीपी का क्या होगा निर्माण, ठीक है, तो एटीपी का निर्माण होगा तो उस टाइम पे क्या होगा ताप, क्या होगा तापमान में क्या होगा यानी टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा, ताप में भी क्या होगा उस टाइम पर अधिकता, क्योंकि ऑक्सीजन को काम में लेंगे और ऑक्सीजन को काम में लेंगे तो क्या बनेगी ऊर्जा, जब ऊर्जा बनेगी तो ऊर्जा क्या करेगी भाई तापमान को भी क्या करेगी साथ में बढ़ाएंगे, तापमान भी बढ़ेगा, थायर ऑक्सीजन हो क्या करता है भाई। इसके अलावा शारीरिक मानसिक व लैंगिक विकास को प्रेरित करेगा, शारीरिक शारीरिक करेगा भाई ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा बनेगी तो शरीर का निर्माण होगा, यानी शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है क्योंकि प्रॉपर रूप से क्या मिलेगी ऊर्जा, तो शारीरिक मानसिक और लैंगिक विकास में वृद्धि करता है, शारीरिक मानसिक और लैंगिक विकास में क्या करेगा वृद्धि करेगा। इसके अलावा यह कायालिका यानी मेटाबोलिज्म मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस को भी क्या करता है रेगुलेट करता है एंड कायांतरण, जैसे कि मेंढक के अंदर, मेंढक के अंदर क्या होगा भाई टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा किसको बदलेगा वयस्क मेंढक में, उसको बदलने के लिए कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है थायरोक्सिन, अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी कर दे अपन तो कभी टेडपोल लार्वा मेंढक में नहीं बदल पाएगा। इसके अलावा क्या करेगा भाई प्रोटीन संश्लेषण, इसके अलावा क्या करेगा प्रोटीन संश्लेषण, आसरण नियमन, प्रोटीन संश्लेषण प्रासरण नियमन, एडिनलिन स्त्रवण का एडिनलिन को प्रेरित करता हूं, एडिनलिन स्त्रवण को प्रेरित करेगा। इसके बाद देखेंगे अपन थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग, जड़ पावनता या क्रिटिनिज्म या अवामनता, तो जड़ वामनता है क्रिटिनिज्म या ऑटो वामनता। देखो भाई इस रोग में तो ये रोग
थायरोक्सिन हॉर्मोन की कमी से होगा तो इस यानी बाल्यावस्था में हॉर्मोन की कमी से होगा जड़वा होगा इसमें मिलेगा देखिए कोई बाल्यावस्था में होगा बच्चों के अंदर। इसके अलावा इसमें क्या होगा बच्चों का मानसिक विकास होंगे और जीवन की रफ्तार या टेम्पो ऑफ लाइफ भी कम हो जाएगी यानी उनकी जीवन की रफ्तार भी क्या होगी कम हो जाएगी घट जाएगी। तो ऐसे बच्चों में आप बोलते पर ऐसे बच्चों को प्रीटीन्स ऐसे बच्चों में आप बोलते प्रीटीन्स कहते हैं ऐसे बच्चों के अवैध अपन प्रीटीन्स कहेंगे। अगला जो रोगों का अपना मिक्सेडिमा या अल्पक्रियता देखो भाई ये हॉर्मोन की थायरॉक्सिन हॉर्मोन की कमी से होगा थायरॉक्सिन हॉर्मोन की कमी से होता है एक इसमें देखने को मिलेगा वयस्क के अंदर वयस्क ये बाल्यावस्था में हुआ था इसमें होगा वयस्क के अंदर होगा इसमें क्या होगा त्वचा पीली व मोटी त्वचा पीली व मोटी गर्मी में सर्दी लगना जलन क्षमता में कमी व्यक्ति का सुस्त रहना आदि लक्षण देखने को मिलेंगे तुमको यानी त्वचा पीली मोटी हो जाएगी गर्मी में सर्दी जलन क्षमता में कमी व्यक्ति का सुस्त रहना। इसके अलावा बालों का झड़ना आलसी होना ठीक है ये सब इसके लक्षण होंगे मिक्सेडिमा और अल्पक्रियता के ठीक है। अगला रोग देखिए आसिमाटो का रोग क्योंकि इस रोग के दौरान क्या लेते हैं अपन इस रोग को बोलते हैं इस रोग का दूसरा नाम थायरॉइड ग्रंथि की आत्महत्या ये रोग थायरॉक्सिन यह रोग थायरॉक्सिन की कमी से होगा इससे को भाई ये थायरॉक्सिन हॉर्मोन की कमी से होगा। तो इस रोग के दौरान बाहर से क्या लेते हैं दवाई को ठीक करने के लिए बाहर से क्या लेंगे तुम दवा वो दवा किसके समान काम करेगी एंटीजन के समान किसके समान काम करेगी वो एंटीजन के समान जैसे शरीर के अंदर गई वो एंटीजन शरीर के अंदर एंटीजन जाते ही क्या बनाएगा अपना शरीर उसके विपरीत एंटीबॉडी। अब जब एंटीबॉडी बनेगी अब जैसे जैसे एंटीबॉडी बढ़ती जाएगी तो वो एंटीबॉडी किसको नष्ट कर देगी थायरॉइड ग्रंथि नकार देगा।
उसको दुश्मन समझने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जैसे सौ प्रतिरक्षित रोग गेंगा या गोइटर, गोइटर या गलगंड, तो गेंगा या गोइटर गंड रोग में, ये रोग भाई पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति जो होगा इसमें होगा भाई, ये पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों में होता। देखो भाई उनके अंदर क्या होगा, क्योंकि उनके जो उनका जो पानी होगा उस पानी में किसी कमी होगी, पानी में आयोडीन की कमी। ठीक है, किसकी कमी होती है भाई, आयोडीन की कमी। तो जब आयोडीन की कमी होगी जैसा कि आपने पढ़ा था वो थायरोग्लोबुलिन से क्रिया करेगा आयोडीन से और क्या बनाएगा आयोडोथायरोन, जो क्या होता है सक्रिय पदार्थ, सक्रिय हार्मोन होगा, क्योंकि सक्रिय होगा आयोडोथायरोन। थायरोग्लोबुलिन क्या होता है, निष्क्रिय। अब देखो इसमें क्या होगा, गलगंड रोग में जो गला होगा वो फूल जाएगा। ठीक है, गला क्या होगा, तो इसके इसमें क्या होगा, जो ऊतक होगा वो ऊतक लगातार बनाएगा किसको, थायरोग्लोबिन को लगातार बनाएगा। लेकिन उसको क्या नहीं मिलेगा, आयोडीन भाई, आयोडीन मिलेगा तभी तो चेंज होगा उसमें आयोडोथायरोन। जब तक उसको आयोडीन नहीं मिलेगा तो उसकी लगातार मात्रा बढ़ेगी। अब जब तक मात्रा बढ़ती जाएगी तो गला क्या होगा, हमको फुला हुआ दिखाई देगा। क्योंकि फुला हुआ क्यों दिखाई देगा, क्योंकि उसके अंदर क्या बन चुका है, थायरोग्लोबिन। अब थायरोग्लोबिन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी तो उस ऊतक का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। जब ऊतक का आकार बढ़ेगा तो ग्रंथि का आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ग्रंथि का आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, गले में क्या, गला फूल जाता है। इसे बोलते हैं गलगंड या गोइटर या गेंगा रोग। ठीक है, तो इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए अपन को, आयोडीन युक्त चीजें इस्तेमाल करें। ठीक है, जिसमें आयोडीन की मात्रा हो वो चीजें अपन को इस्तेमाल करनी चाहिए। अगला और देखेंगे अपन, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग। अब देखेंगे अपन थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग। थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग इसे बोलते हैं हाइपर थायरोइडिज्म। तो इस लक्षण क्या होगा, जब थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता होगी तो इसके लक्षण जैसे कि BMR का बढ़ना, BMR का बढ़ना, हृदय धड़कन का बढ़ना, धड़कन का बढ़ना, रक्तदाब यानी बीपी का बढ़ना, ऊर्जा उत्पादन बढ़ना। इसके अलावा सर्दी में पसीना आना, ये सब किसके लक्षण होंगे भाई, थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता हो जाएगी तब ये सभी लक्षण अपन को दिखाई। तो इसकी अधिकता से होने वाला रोग देखते हैं अपन, पश्च रोग, नेत्रोसेंधी या इसे बोलते हैं थैलेमिक गोइटर। तो इस रोग के दौरान हेक्सोथैलेमिक गोइटर
नेत्रोत्संधि रोग के दौरान क्या होगा कि नेत्रों के नीचे नेत्रों श्लेष्मा जमा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि नेत्रोत्संधि या हेक्सोथैलेमिक रोग के दौरान नेत्रों के नीचे श्लेष्मा जमा हो जाता है। ऐसा लग रहा हो व्यक्ति जिसे अपन को क्या कर रहा हो, घूर रहा हो, घूरती हुई निगाहों से देखना। अगला सेकंड होगा अपना लूमर रोग। मर रोग लूमर रोग इसमें क्या होगा, अंधे में घाटे होना, इसका लक्षण होगा लूमर रोग घाटे, ठीक है। अगला रोग होगा अपना ग्रेव रोग। ग्रेव रोग इस रोग के दौरान ग्रंथि का फूल जाना या अनियमित आकृति जाएगी, ग्रंथि का फूल जाना और अनियमित आकृति का होना, ये लक्षण किसका होगा, ग्रेव। तो ठीक है, अपन ने थायराइड ग्रंथि कंप्लीट कर ली। थैंक यू।